पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ लोधी रोड स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का भी पालन किया गया। इससे पहले आज सुबह प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही उन्हें अंतिम विदाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में प्रणब मुखर्जी की कोशिशों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। मंगलवार दोपहर दिल्ली के लोधी रोड विद्युत शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। परिजनों और रिश्तेदारों ने कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों के अनुरूप PPE किट में प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई दी। सेना की टुकड़ी ने पूर्व राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर और गन सैल्यूट भी दिया। इससे पहले मंगलवार सुबह प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल से 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां सभी दलों के नेताओं समेत तमाम हस्तियों ने प्रणब मुखर्जी की तस्वीर के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निवास स्थान पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर मौजूद शोकाकुल परिजनों को भी उपराष्ट्रपति ने सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता के आवास पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि भारत के विकास को लेकर प्रणब मुखर्जी की कोशिशों के लिए उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में CDS जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह भी शामिल थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई देने के लिए हर पार्टी के नेता पहुंचे। BJP अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव D राजा ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई देने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। सोमवार को 84 वर्ष की उम्र में प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वो बीते 10 अगस्त से सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती थे। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने भी 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। करीब 6 दशक के अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने महत्वपूर्ण समझे जाने वाले करीब हर पद को संभाला। हालांकि उनकी छवि एकदम बेदाग रही, आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कैमरामैन संजय कुमार के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा TV, दिल्ली।